Good evening, all my rock stars. Welcome to Vedanta 909 ka Hindi channel. This is Amit Rora, your master teacher for English and kaise have made it, rock stars. Hello, people. Good evening, my Tanish. Good evening, my Ashwin. What's up, my Ritik? Hello, my Suraj. Good evening and welcome. Beta, deleted chapter alert. Mijbill the Otter by Mr. Gavin Maxwell में आपका स्वागत है. बेटा ये chapter पिछले 2 साल से deleted था. That means your seniors and seniors के seniors did not have this. YouTube पे अगर इसको ढूंढने जाओगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा. इसके लिए बहुत ध्यान देना एंड अमित सर की बात आज ध्यान से सुना. वी आर गोइंग टू हैव टू मच फन. ठीक है, तो बेटा आज का दिन आपको अमित सर देंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद वीक क्विज पे चलेंगे. इस चैप्टर का पूरा समरी. बेटा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सिट विद योर टेक्स्ट बुक ओपन. थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत क्यूट क्यूट सा ऑटर है ऑब्वियसली. बेटा पूरे चैप्टर का थीम एंड मॉरल आने वाला है जिसके बेसिस पे आपके आएंगे लॉन्ग आंसर्स. रिमेंबर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है. उस पे अलग वीडियो बना के लाऊंगा बेटा, पर इस पे बहुत ध्यान देना प्लीज. पूरा का पूरा वोकैबुलरी बिकॉज़ वोकैब ओपी. बेटा आपके सैंपल पेपर में बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं. पे अटेंशन. वीक क्विज तो होगा ही, चाय फाय क्विजेस भर भर के होंगे बिकॉज इट इज 4 बज गए, चाय पीने का टाइम है अमित सर. एंड पीपल होमवर्क आएगा एंड में. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. होमवर्क का सवाल सुन लेना, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना पीपल विदाउट फेल. ठीक है, चलो पीपल इसी के साथ अमित सर के साथ जुड़ जाओ एंड जुड़े रहो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर आज एक लड़की को देखकर दिल धक धक करने लगा. अश्विन सिंह बेटा तेरे लिए लास्ट वार्निंग है. तेरा दिल धक धक आया ना अगर बोर्ड्स तक, फिर देख तेरे दिल में मैं उतर के क्या करता हूँ. ठीक है, बोर्ड्स के बाद बेटा जितना धक धक आना है धक धक आना. अभी तुम बहुत छोटे हो. ओके, पीपल इंस्टाग्राम पे आ जाओ अमित सर के. अगर आपको चाहिए सारे के सारे आपके चैप्टर्स के माइंड मैप्स, वर्ड बैंक्स, ग्रामर हैक्स और गुरु मंत्रास एंड सम फन कंटेंट, बेटा टेलीग्राम पे हम 100% आप मेरे को अपने डाउट्स भेज सकते हो. एंड मेरे चैनल को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको मिलेंगे सेशन PDFs, रेफरेंस मटीरियल, स्टडी मटीरियल एंड फन कॉन्टेंट. एंड बेटा ईमेल ID ये मेरा है, अगर ईमेल करना है तो ईमेल कर दो. मेरे पिछली बार के होमवर्क रॉक स्टार्स, हियर वी गो. स्वाति, सौरभ शर्मा, नेहल बाफना, राशिद कृष्णा एंड माय मौली, थैंक यू सो मच, यू गाइस ट्रूली रॉक. तो बेटा होमवर्क कर दिया करो यार. आज का दिन भी होमवर्क मेरे सारे रॉक स्टार जो करेंगे उनका नाम आई विल टेक इन माय नेक्स्ट लाइव वीडियो. सर मुझे धक धक होता है पढ़ाई के लिए. ऋतिक बेटा तुम एकदम से देखो, बेटा दिल धक धक आना सही चीजों के लिए चाहिए. दिल सबका धक धक करता है. अभी थोड़ा लड़की लड़कों के प्रति मत करो, थोड़ा संभाल लो, एग्जाम के बाद कर लेना. ठीक है ना, है. थैंक यू माय अश्विन, थैंक यू सो मच. सर आज 15 रुपीज का पिज्जा खाया है. वाह अभिषेक बेटा क्या बात है. रीच फॉर द टॉप करवाया अंजू वर्मा. बेटा पूछ क्यों रहे हो, देख लो आपको पता चल जाएगा. चलो बेटा इसी के साथ एवरीबॉडी विल हिट द लाइक बटन. अमित सर को प्यार दिखाओ यार, सब्सक्राइब की घंटी बजाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब आइकन दबाओ, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्यूटिफुल चैप्टर है. सुनो नाउ पीपल पे अटेंशन. ये चैप्टर है राइटर गैविन मैक्सवेल का, जिन्होंने अपने खुद के बारे में खुद की लाइफ डिस्क्राइब किया है. हाउ हिज लाइफ चेंज्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट. बेटा ऑटर जो है वो मोंगूज फैमिली का होता है. ऑटर लुक्स लाइक अ वेरी बिग स्क्वेरिल. तो आपको अगर याद हो गिलहरी सबको पता है, अभी गिलहरी इतनी छोटी सी होती है, ऑटर बड़ा सा होता है लेकिन उसके जैसा ही दिखता है. जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू एन आइडिया. ठीक है, तो बेटा ये पूरे चैप्टर में उसके जर्नी, उसके एडवेंचर्स एंड उसके एक्सपीरियंसेस. ट्रस्ट मी, 9th में जहां आपको एडवेंचर्स ऑफ टोटू था याद है वही 10th में बेटा आपका मिजबिल द ऑटर बन गया है. बस सिमिलर है, उसकी वजह से उसको क्या तकलीफें हुई, क्या हुआ, क्या दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत एडोरेबल बेचारा हमारा पेट था, दैट्स ऑल. ठीक है, तो जर्नी शुरू होता है इराक में बेटा, इराक में बसरा करके एक शहर में एंड जहाँ पे फिर उसके बाद लंदन तक, ये फ्लाइट तक चलता है उसका पूरा एडवेंचर. लंदन के बाद भी, लंदन में जाने के बाद भी. सो पीपल देयर आर टू वेरी डिफरेंट प्लेसेस हियर, इराक एंड लंदन, क्योंकि लंदन में ऑटर वाटर नहीं मिलते हैं बेटा, इराक से आते हैं. ठीक है, मिड टर्म में भी आ गया ना, राइट जानवी, एब्सोल्युटली. चलो पीपल, तो हम समरी के पहले चलते हैं, वीक क्विज करेंगे थोड़ा. चलो आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ. पीपल वीक क्विज ज्वाइन करने के लिए पहले हमारे वीडियो के अंदर जाओ. पीपल पहले यहाँ पे शर्म करो, लाइक बटन दबाओ. अभी तक 100 बच्चे देख रहे हैं, 60 लाइक हुए हैं, बहुत नाइंसाफी है. 100 लाइक्स का टारगेट है बेटा. शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे आपको बेल आइकन दबाना है एंड यहाँ पे वीक क्विज का लिंक आ गया है. क्लिक ऑन द लिंक टू join vquiz.in. ठीक है, आ जाओ. तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे.
आ जाओ सारे बच्चे, पीपल आइदर क्लिक ऑन द लिंक एंड बी रेडी टू ज्वाइन, या फिर गूगल क्रोम को खोलो, www.vquiz.in टाइप करो एंड कोड लगाओ 227126, 227126, हमने कोड को लाइव चैट में डाल दिया है, ठीक है, 227126। डायरी राइटिंग ऑफ द ऑथर सॉर्ट ऑफ आराध्या, सॉर्ट ऑफ, इट इज नॉट सो मच एज डायरी एज मच एज हिज ओन एक्सपीरियंसेस, तो ही इज जस्ट शेयरिंग इट, ठीक है। हाय माय रिमझिम, हाय माय इंजिल, हेलो माय मनजोत, ठीक है, चलो रेडी है बेटा, सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, जल्दी जल्दी ज्वाइन ज्वाइन का चैट स्पैम लगाओ, एवरीबॉडी हैज टू गो टू vquiz.in, या तो लिंक से जाओ बेटा लाइक सब्सक्राइब दबाने के बाद, या तो जाके टाइप करो www.vquiz.in, कोड लगाओ 227126। थैंक यू माई रुद्रा सर, आई स्कोर वेरी लेस मार्क्स, प्रिया बेटा जस्ट स्टडी विद मी, यू विल स्कोर फुल मार्क्स, ये मेरी गारंटी है, लेकिन शिद्दत से पढ़ना है बेटा आने वाले महीनों में, सुन लो आज सितंबर का लास्ट दिन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आग लगाने वाले हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, रीडिंग एंड राइटिंग में आपका एडवांस लेवल का रीडिंग राइटिंग कराएंगे, ठीक है, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, बेटा टू मच फन होने वाला है, लेकिन जुड़ जाओ, इसलिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टडी फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स यार, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। हाय माय तनिष, हाउ आर यू बेटा, इतने हे लिखेगा आदित्य, इज ओके, थैंक यू आदित्य, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बेटा, स्तुति आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, मुझे पता है हमारा लिटरेचर बहुत पेंडिंग है, मुझे खुद को टेंशन है, अक्टूबर नवंबर में आई विल ट्राई एंड कवर मैक्सिमम लिटरेचर, ताकि दिसंबर के पहले मेरे बच्चों की टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है, पीपल डोंट वरी, टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी हैं, चलो कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, 47 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बेटा, एवरीबॉडी आई एम स्टार्टिंग द वीक क्विज इन 3 2 1 एंड पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, चलो कम ऑन हियर वी गो, हम जरा हट जाते हैं, हु इज द ऑथर बेटा, हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, गैविन मैक्सवेल, पॉइलो कोइलो, अमिताभ घोष और रस्किन बॉन्ड, तो सारे बच्चे या तो वीक क्विज में आंसर करो या लाइव चैट में देख के क्वेश्चन को आंसर करो। हाय माय हर्ष, शर्वरी बेटा द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन टॉप ऑफ अमित सर ऑन द स्क्रीन, ऊपर देखो ना इधर मेरे बाजू में लिखे इंस्ट्रक्शंस है ना आर्यन बेटा, देखो सो नाउ यू रियलाइज आपका वोकैब इज नॉट गुड, तो वोकैब के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं बहुत सारे वोकैब अपडेट्स रिलीज कर रहा हूँ, सुपर्ब बेटा सुपर्ब, मजा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन गैविन मैक्सवेल, बेटा यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑथर्स, यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पोएट्स, ये आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए एंड आपको लॉन्ग आंसर से पूछा जाएगा फॉर 6 मार्क्स के लिए, तो बेटा ये भूलना मत, ये हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज, चलो फर्स्ट लीड अबाउट हियर वी गो, अभिजीत, अमनदीप, शौर्या, जानवी, चुमी, हाई फाई, सक्षम, प्रिया, थैंक यू, ऋतिक, थैंक यू मेरी जान, जस्टिस, हाउ आर यू, ध्रुव एंड माय आदिल, सो नाइस टू सी यू, चलो बेटा अगला सवाल, कम ऑन, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बताओ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग ना ऑथर डिसाइडेड टू गेट अ पेट, हे भगवान, ऑटर, ऑक्टोपस, हॉक या टर्टल, बेटा ये नहीं आया तुम्हारी पिटाई करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, ओके रेणुका, हाय माय क्वीन, एस बी करावडी बेटा, इफ यू डोंट हैव इंस्टा आई अंडरस्टैंड, देन कम ऑन टेलीग्राम, ओके, वन ऑफ द टू यू नीड टू हैव, आई एम सॉरी, टेंशन मत करो मुस्कान, यू विल रॉक इट, जस्ट वॉच ऑल माय वीडियोस एंड स्टडी एंड गो रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड गो बेटा, सुपर बेटा, एक बच्चे के लिए ताली बजाओ, एक बच्चे के लिए ताली बजाओ जिसने ऑक्टोपस मार्क किया है, मेरे ख्याल से हम सबको मिलके कंट्रीब्यूट करके उसको एक ऑक्टोपस भेज देना चाहिए, क्योंकि उसको पालने दो एक ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस मिजबिल द ऑक्टोपस, तुम्हारी पिटाई करेंगे, ठीक है, बाकी सब बहुत बढ़िया, लीडर वर्ड है अभी को चलो अभिजीत, अमनदीप, जानवी, ध्रुव, आदिल, प्रिया, अभिषेक, मजा आया सर आज, प्रखर, शौर्या एंड देवव्रत, चलो अभी को सारे बच्चे बहुत बढ़िया करें, कम ऑन पीपल, वॉट इज द नेम ऑफ मैक्सवेल का फर्स्ट पेट, जॉनी, सिल्की, मिल्की, मिचबिल, ओ नो, ओ माई गुडनेस, माई रुद्रा क्या बात है यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, ओ वाओ दमन, वेरी नाइस बेटा, हाय माई प्रिंस पाठक, कम ऑन पीपल, टाइम इज अप, हियर वी गो, वाह
वाह वाह वाह वाह वाह बेटा, मिजबिल उसका सेकंड पेट है ना, मिजबिल फर्स्ट पेट नहीं है। पहले उसके पास डॉगू था, डॉगू द डॉगू डाइड ना, उसके बाद उसने डिसाइड किया ऑटर लेके आएगा। ऑटर्स टेंड टू लिव लॉन्गर देन डॉग्स अपेरेंटली, ठीक है। तो बेटा जॉनी इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पीपल। प्लीज अगेन वंस अगेन लिसन टू मी, क्लैप फॉर सिल्की मिल्की। बेटा लाइव चैट में तालियां बजनी चाहिए। गिव मी हार्ट इमोजीज एंड क्लैप इमोजीज फॉर दोज रॉक स्टार्स हु मार्क्ड सिल्की। इनको बेटा यूक्रेन आज आज रात की फ्लाइट से, इन बच्चों को तो यूक्रेन भेजना ही चाहिए। सिल्की मिल्की के ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभिजीत, अवंदी, प्रिया, जानवी, आदिल, प्रगति, अभी, मेघा, शौर्या एंड माय शुभम। चलो पीपल, अगला सवाल, कम ऑन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। ऑथर ट्रैवल कहाँ पे इन 1956? दैट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ योर चैप्टर यार। ईस्टर्न इराक, वेस्टर्न इराक, नॉर्दर्न इराक, सदर्न इराक। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। टाइम इज अप। ओ वाह पीपल, देखो इसको बोलते हैं परफेक्ट इनी मीनी माइनी मो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, इसको बोलते हैं परफेक्ट एकदम ही। बच्चों ने दिल से माफ किया है। सर देखो मैं ईस्ट इंडिया में रहता हूँ, मैं ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इराक मार्क करूंगा। सर देखो मैं वेस्टर्न पार्ट में रहता हूँ, जैसे अमृतसर मुंबई में रहते हैं, मैं वेस्टर्न मार्क करूंगा, मेरी मर्जी है। वाह बेटा तुम लोग, बोले तुमने तो एकदम हद हदे पार कर दिया। तो बेटा प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक। ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दे विल आस्क सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सदन इराक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। अभिजीत, प्रिया, प्रगति, अक्षिता, आर्यन, धृति, आराध्या, सारा, अमनदीप एंड जानवी। लीडर बोर्ड इज चेंजिंग बिग टाइम। अगला सवाल, कम ऑन पीपल, हियर वी गो। इन द चैप्टर वी लर्न दैट डैश आर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स। बेटा बहुत आसान है, लायंस, कैमल्स, ऑटर्स एंड नन ऑफ द अबव। अरब लोग कौन से जानवर को इजिली टेम कर देते हैं? ये पीयूष मिश्रा बेटा, क्या बात है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाय माय प्रगति, यस माय अग्रिमा। टाइम इज अप, आर रेड टू गुड है पीपल। अगेन क्लैप फॉर कैमल्स। बेटा कैमल्स बुरा नहीं है, सुन लो, लायंस भी बुरा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में कैमल्स और लायंस की बात नहीं हो रही है, इस चैप्टर में ऑटर्स की बात हो रही है। बेटा तुम्हारी ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम प्रॉब्लम है। तुमको बोला गया है पैसेज में स्टिक करो, तुम बाहर की चीजें पैसेज के अंदर ले आते हो, बेटा ये दिक्कत करते हो। आंसर इज ऑटर्स। प्लीज डू नॉट मेक स्टूपिड सिली डम्बू मिस्टेक्स, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड, हियर वी गो। हाय माय उत्कर्ष, हाउ आर यू? अभिजीत, प्रिया, प्रगति, अक्षिता, धृति, आराध्या, सारा, जानवी, आदिल एंड माय अभी। चलो पीपल अभी काम करते हैं, सुनो सुनो, अभी जरा सेशन के अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अभी आई वांट एवरीवन अपनी टेक्स्ट बुक हाथ में लो यार, सिट बैक, ठीक है। अमित सर के एक्सप्लेनेशन सुनो, एंजॉय, चाय फाय खेलो एंड देन हम लोग फिर से वीक क्विज पे चलेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टोरी शुरू होती है जब भी हमारे राइटर गैविन मैक्सवेल जाते हैं बसरा। बसरा इज अ सिटी इन सदर्न इराक अलॉन्ग विद हिज पैल, पैल बोले तो फ्रेंड। तो पीपल पूरी की पूरी स्टोरी इज लाइक अ नैरेटिव, मतलब कोई ना कोई कहानी बता रहा है। चलो बेटा एट सम पॉइंट ऑथर ने बेसिकली ये बोला अपने दोस्त को कि यार मेरे को ना डोमेस्टिकेट करना है। डोमेस्टिकेट मतलब कि आई वॉन्ट अ पेट ऑटर। क्यों भाई? क्योंकि मेरा डॉगू अभी नहीं रहा है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। पीपल टिपिकल टिपिकल है, तो आई हैड अ डॉग, अभी वो नहीं रहा जॉनी, तो मुझे अभी ना एक ऑटर चाहिए, ऑटो, ठीक है। लॉट्स ऑफ फीवर टुडे ऑल्सो डिडेंट, ओ नो उत्कर्षा बेटा प्लीज टेक रेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो ऋतिक तू भी रुक जा। चलो तो बेटा उसके उसके फ्रेंड ने इमीजिएटली बोला कि अरे ऑटर चाहिए ना, तो उधर जाओ। कहाँ जाओ? मार्शेस। बेटा मार्शेस मतलब कि मार्शी लैंड, मार्शी लैंड मतलब जहां पे बहुत सारा वाटर रहता है, अलोंग द रिवर टिग्रिस इन इराक। बेटा टिग्रिस इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन इराक, ठीक है। तो जहां पे रिवर रहेगा वहां पे ऐसे दलदल और वाटर भी बहुत सारा रहेगा, कॉमन सेंस है, वहां पे बहुत मिल जाएंगे, वहां पे तो भर भर के मिलते हैं। चलो पीपल, तो जैसे ही वो अपना बसरा सिटी में पहुंचे, उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि उसके फ्रेंड का पोस्ट आ गया है, मतलब उसके फ्रेंड जा सकते हैं। बेटा
मेल मतलब के पोस्ट, उस जमाने में ना आपको ना पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था अपना पोस्ट लेने के लिए, ए बी पोस्ट आता था बेटा, देयर वर नो ईमेल्स, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो स्नैपचैट, ठीक है? तो ये 1956 की बात चल रही है बेटा, मतलब तभी हम में से कोई भी नहीं था, समझ लो। चल तो बेटा अभी उसके थोड़े दिन के बाद उसका फ्रेंड निकल गया नैरेटर के लिए, अभी तक उसका पोस्ट आना बाकी था, मतलब जब तक वो पोस्ट नहीं आता उसको रहना पड़ता था, उसके फ्रेंड का पोस्ट आ गया था तो उसका फ्रेंड निकल गया, ठीक है पीपल? हाय माय श्रीजल। थ्रॉल्ड मतलब के कंट्रोल होना, आसरा, थ्रॉल्ड मतलब के उसके कंट्रोल के अंदर होना। चलो पीपल, तो चलो वो उसके पास जैसे ही उसका लेटर आया वो अपने रूम में गया, उसको खुशी हुई, हैंड पीपल वहां पे उसने देखा उसका ऑटरवा रेडी था उसके लिए, ठीक है? जो उसके लिए एक गूनी में लाया गया था बेटा, सैक इज अ काइंड ऑफ अ जूट बैग, ठीक है? एकम्पनीड बाय द एड, एड मतलब हेल्प ऑफ अरब्स, ठीक है? उसके फ्रेंड ने उसको भिजवाया था, तो अरब लोग ऑटर लोग को टेम कर सकते थे, एंड दे हैड गॉटन ऑटर फॉर पीपल, लिटरली एन ऑटर इज समथिंग लाइक सो सो क्यूट, ऑटर लुक सिमिलर टू अ सील, ऑटर लुक सिमिलर टू अ मंगूज, ऑटर लुक सिमिलर टू अ वेरी लार्ज स्क्वेरल, लेकिन थोड़ा चूहा जैसा भी दिख सकता है, पता नहीं इतनी सारी चीजें दिख सकती है। टेम्ड मतलब के पालतू बनाना आदित्य, जैसे कि यू टेम अ डॉग, है ना, पेट रखना। चलो पीपल, नाउ उसने अपने ऑटर का नाम रखा मिजबू, मिजविल, ठीक है? एंड इन शॉर्ट मिज, क्यूट नाम है पीपल, तो मिजविल फुल फुल फॉर्म एंड मिज शॉर्ट फॉर्म। चलो तो बेटा अभी धीरे धीरे मिज एकस्टम हुआ, फेमिलियर हुआ, यूज्ड टू हुआ विद द सराउंडिंग्स, टिपिकल लाइक एनी बडी, ऐसे छोटे बेबीज भी ऐसे होते हैं, पेट्स भी ऐसे होते हैं पीपल, ट्रस्ट मी, छोटे बेबीज और पेट्स में कोई अंतर नहीं होता पीपल, इट इज हिलेरियस, हिलेरियस, ठीक है? चल तो बेटा मिज लव चेरिश्ड मतलब के लव प्लेइंग इन द वॉटर, तो बेटा उसको ना पानी के टब में वो नहलाते थे और खिलाते थे, ठीक है? एंड लर्न टू ओपन द फॉसेट, बेटा वो इतना स्मार्ट था कि खुद बाथरूम में जाके बाथटब में घुस के धीरे 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 नलके को खुद से खोल देता था ताकि पानी निकल सके, स्मार्ट ओपी, ठीक है? एंड वाई बेटा, बिकॉज ऑटर्स आर प्राइमरिली एक्वेटिक एनिमल्स, वैसे वो लोग दोनों हैं लैंड एंड वाटर, लेकिन वो लोग पानी में भी बहुत रहते हैं, दे आर वेरी गुड स्विमर्स आर पीपल, वेरी मतलब वेरी गुड स्विमर्स है, ठीक है? चलो तनिष बेटा आई विल डू दैट, बट यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर एंड कम, दैट इज वाई, राइट? सो डोंट फॉरगेट दैट, ओके? चलो पीपल आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बेटा धीरे धीरे ना बसरा में टाइम बीत रहा है, मतलब मिजबिल के एडवेंचर्स हो रहे हैं, मिडविल मिजबिल उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो पानी चलाना शुरू करता है, खेलते रहता है, ऑथर से यूज टू हो रहा है, लेकिन बेटा अभी उसको लंदन वापस जाना है, मतलब उसको इराक से लंदन तक लेके कैसे जाए? सो पीपल जस्ट लाइक हमारे टोटो के केस में, उसको जब ही सहारनपुर लेके गए थे, हेलो फुल एडवेंचर्स, तो यहाँ पे भी बेटा फुल एडवेंचर्स होते हैं। चलो तो बेटा ब्रिटिश एयरलाइंस ओपी अभी भी जिंदा है, तभी भी जिंदा थे, अभी ब्रिटिश एयरवेज हो गया है, तो उसने बोल दिया हम आपको जानवर नहीं कैरी करने देंगे, वी आर सॉरी, ठीक है? तो बेटा उसको ना कोई और एयरलाइंस में फ्लाइट बुक करनी पड़ी, वो पेरिस तक बुक करनी पड़ी उसको फ्लाइट, और वहां से लंदन, जिसने उसको बोला ठीक है भाई मिज को आप एक डब्बे में कैरी कर सकते हो, आई थिंक 18 इंचेस वॉज मेंशन कि आप खाली 18 बाय 18 इंच के डब्बे में उसको कैरी कर सकते हो, दैट्स ऑल, उसको भी आपको अपने सीट के नीचे रखना पड़ेगा, थैंक गॉड कार्गो में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है? यस माय श्रीजल, अमित सर रोट दैट। चलो पीपल, सो नैरेटर ने, अच्छा अभी फ्लाइट का टाइम हो गया है, 1 घंटा बाकी था फ्लाइट निकलने में, तो नैरेटर ने सोचा चलो इसको थोड़ी आदत तो डलवा देते हैं, तो बेटा उसने ना मिजबिल को एक वो बॉक्स में डाला एंड वो गया खाना खाने, मतलब उसको लगा कि जब तक मिजबिल यूज टू भी हो जाएगा अपने बॉक्स के साथ, क्योंकि उसको इतने घंटे अभी उस बॉक्स में गुजारने हैं भाई। पीपल जैसे ही नैरेटर वापस आया खाना खाके, बाप रे मिजबिल बेचारा, पीपल सी दिस इज वेयर एनिमल्स ना गेट ट्रॉमेटाइज्ड। तो बेटा हमको लगता है कि सब कुछ बहुत सिंपल है, आई गिव एन एग्जाम्पल, सपोज हम लोग बेटा कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है? अभी वहां की सीट छोटी है, बड़ी है, लंबी है, हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, जाग लेते हैं, बेटा एनिमल्स कांट डू दैट। एनिमल्स का अगर एनवायरमेंट चेंज होना, बेचारे एकदम कंफ्यूज होके पागल हो जाते हैं कि हुआ क्या, छोटे बच्चे जैसे। तो मिजबिल तो पागल हो गया डब्बे में, मिजबिल ने पूरे अपने दांतों से डब्बे में होल्स बनाए, उसने पूरे डब्बे की इंटरनल सॉफ्ट लाइनिंग को खा लिया पूरा, बेटा उसके मुंह से खून बून निकल गया, सो 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 स्कैरी यार, जस्ट इमेजिन, ठीक है? या
चलो एंड पीपल ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ द होल्स. ओ माई गॉड, इट वॉज इट मेरे को तो पढ़ के ही कितना स्कैरी लग रहा था. तो विजुअल क्लियरली बहुत ज्यादा डर गया था बेचारा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को ये. एंड पीपल दिस इज ऑल्सो द थिंग, नो लिविंग थिंग वॉन्ट्स टू बी इन कैप्टिव. बेटा ये टाइगर इन द जू पोयम में भी हमको बताया गया है, सारे लिविंग थिंग्स को फ्रीडम चाहिए प्राइमरीली. आप किसी भी जंतु को अगर किसी चीज के अंदर डालोगे, पहले पहले वो हड़बड़ा जाएगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, राइट? चल तो बेटा अभी ऑथर वापस आया, ऑथर के पास बचे थे खाली 10 मिनट प्लेन जाने से पहले, तो उसको ऑप्शन ही नहीं था. उसने मिजबिल को ठूसा डब्बे में, डब्बा बंद किया और वो भागा, क्योंकि वरना बेटा उसकी फ्लाइट वहां मिस हो जाती थी. जस्ट इमेजिन, ठीक है, दैट वुड बी सो सैड ना. चलो पीपल, नाउ ही इज रनिंग टू द एयरपोर्ट एंड उसका ड्राइवर ने गाड़ी ऐसे चलाई जैसे कि बुलेट छूटती है, ठीक है. तो बेटा उसने जल्दी जल्दी बॉक्स क्लीन किया, एयरपोर्ट जैसे तैसे पहुंचा, थैंक गॉड उसके ड्राइवर ने उसको एयरपोर्ट पहुंचा दिया. चलो जाते ही बेटा प्लेन में ना, उसने पहले पहले एयर हॉस्टेस दीदी को पकड़ा. एयर हॉस्टेस दीदी ओपी, लुक एट हर, हाय, ठीक है. एयर हॉस्टेस दीदी को बोला, प्लीज प्लीज एयर हॉस्टेस दीदी, यार मेरे को ना प्लीज डब्बे को नीचे मत रखने दो, वो नीचे और डर जाएगा. क्या है ना, डब्बा अगर मेरी गोद में रहेगा ना तो मुझे बिल्कुल लगेगा कि मैं उसके पास में हूँ. पीपल दिस इज टिप टिपिकल पेरेंट बिहेवियर, पेट ओनर बिहेवियर, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रन के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं. सेम जस्ट लाइक दैट, ठीक है. तो लोग सारे ऑटो सबके जय बोलना बंद करो, ठीक है. चलो पीपल, एयर हॉस्टेस ने बोला, अरे कोई नहीं कोई नहीं, आप खाली डब्बे को लैप में क्यों रखते हो, आप डब्बा खोलो, मिच बिल्कुल ही गोदी में रखो, कोई बात नहीं है. ओ माई गॉड. तो बेटा गैविन वॉज लाइक, ओके ऑसम, यू आर द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट, और क्या चाहिए लाइफ में बेटा. ये अभी अलाउड नहीं है, ये 1956 में अलाउड था. क्या बात है, क्या दिन थे वो. अभी यू कैन नॉट कैरी अ पेट इन योर गोदी और इन द प्लेन, सॉरी मतलब जहाँ पे आप बैठे हो, इन एनी एनी फ्लाइट यू कांट. वो बेचारा पेट हैज टू गो इन द कार्गो, जस्ट इमेजिन, ठीक है. वैसे फर्स्ट क्लास में आप शायद कैरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बॉम्ब पे करना पड़ेगा पीपल, ठीक है. चलो नाउ सर, 100 ड्रेसेस नहीं आ रहा है जय इंजीनियरिंग. बेटा सीबीएसई की वेबसाइट पे 100 ड्रेसेस इज नॉट लिस्टेड, अमित सर ने चेक किया है, सो इट इज नॉट कमिंग, ठीक है. चलो तो बेटा अभी उसको लगा कि चल ठीक है भाई, एयर हॉस्टेस दीदी ने हाँ बोल दिया है. उसने कंटेनर खोला मिचविल को उठाने के लिए, बट बेटा दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज ना, एनिमल्स अपने ही दिमाग के होते, अपने ही वे से बिहेव करते हैं. पीपल ऑटर कूदा एंड भागा और पूरे फ्लाइट में हो गया धमाका. बेटा बिकॉज अगर एक फ्लाइट में अचानक एक ऑटर दौड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाट विल बी योर रिएक्शन, बट अमित सर का रिएक्शन विल बी लाइक ओ माय माता रानी, ठीक है. जस्ट इमेजिन पीपल, पूरे के पूरे उसमें ओ लिरिक एडिट्स, बेटा क्या बात है, क्या बात है, ठीक है. चलो नाउ पीपल, सारे पैसेंजर्स एकदम डर गए कि यार ये, और पैसेंजर्स ने बोला चूहा दौड़ रहा है, गिलहरी दौड़ रही है. पीपल प्लेन में थोड़ा अजीब लगता है, बगीचे में अलग बात हो जाती है, जस्ट थिंक अबाउट इट. चलो फाइनली बेटा एयर हॉस्टेस ने उसको बोला कि आप बैठो अपने सीट पे, मैं उसको उठा के लेके आती हूँ, डोंट वरी. एंड बेचारे को गैविन को दिया एंड फाइनली वो लोग जैसे तैसे लंदन पहुँच गए, थैंक गॉड एयर हॉस्टेस दीदी ओपी. चलो अभी बेटा लंदन के, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, वन इज इन इराक, वन इज द फ्लाइट, वन इज इन लंदन. अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पे. तो बेटा मिज को ना पिंग पोंग बॉल्स बेटा इज अ गेम लाइक टेबल टेनिस. अगर आपको पिंग पोंग नहीं पता है, टेबल टेनिस 100% पता है. तो टेबल टेनिस का छोटा सा प्लास्टिक बॉल होता है, वैसे ही पिंग पोंग बॉल होता है. उसको ऐसे छोटे बॉल्स और छोटे छोटे मार्बल्स, मार्बल्स मतलब के कंचे, ठीक है. तो बेटा उसको खेलने में बहुत मजा आता था उसके साथ, ठीक है. एंड ही वुड लव टू प्ले विद दैट एंड बिकॉज ही वॉज ऑब्वियसली एन ऑथर. अच्छा एंड ना बेटा 100% वो ना ऑथर का एक ब्रोकन सूटकेस था, तो वो उसके साथ रिक्रिएशन मतलब टाइम पास, तो वो उसके साथ खेलता था. पीपल एनिमल है बेचारा, पेट है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है. सो ही इज जस्ट लाइक अ बेबी जिसको ऐसे छोटू मोटू अजीबो गरीब चीजों के खेलने को बहुत मजा आता था. अच्छा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, जस्ट इमेजिन लंडन में, एक्चुअली किधर भी आपके, जो भी आप शहर में हो, कोई अपने कुत्ते को घुमाने लाएगा, बिल्ली को घुमा, बिल्ली को भी ऐसे कोई घुमाने तो नहीं लाता है, ठीक है. एंड टिपिकली मतलब कि कौन से पेट्स कोई घुमाने ला सकता है, आई डोंट नो, लेकिन बेटा कोई ऑटर को घुमाने लाए तो OMG. तो वो ऑथर उसको घुमाने ले जाता था, सारे के सारे लोग बोलते थे कि ये जानवर कौन सा है,
ठीक है, तो उसको सारे नाम से बुला देते थे कि ये है वो है। एक ने उसको ब्रोंटोसॉरस भी बोला। बेटा ब्रोंटोसॉरस इज अ टाइप ऑफ डायनासोर विच इज एक्सटिंक्ट 66 मिलियन ईयर्स अगो। वो तक बोल दिया कि ये तो ब्रोंटोसॉरस है। मतलब बेटा कॉन्फिडेंस ओपी ना, जस्ट इमेजिन। ठीक है तनिष बेटा, होंगे होंगे सैटरडे को हैवी वर्ड्स का लिख है। ठीक है चलो, यस तनु इट विल कम। चलो तो बेटा कुछ लोग उसको सील बुलाते थे। बेटा सील इज अ टाइप ऑफ एनिमल दैट इज फाउंड इन द आर्कटिक। ठीक है, कुछ लोग उसको स्क्विरल बुलाते थे, कुछ लोग उसको हिप्पोपोटेमस तक बुला देते थे। मतलब हद पार है। ठीक है, मतलब ये देख लो पीपल, तो ये हो गया आपका सील, ये हो गया स्क्विरल, ये हो गया हिप्पो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे कैसे जानवरों के साथ कंपेयर होते ज्यादा था। चलो फाइनली बेटा उसको लास्ट में एक सबसे ज्यादा शॉकिंग रिस्पॉन्स आया। एक बेचारा काम करने वाला आदमी जिसने उसको बोला कि ये है क्या, मतलब ये जानवर है कि नहीं है, इंसान है क्या, है एलियन है, हद पार है। दैट्स ऑल। ठीक है, सो बेटा दैट्स इट। तो फाइनली ये स्टोरी है द बॉन्ड बिटवीन द लव बिटवीन द ऑथर एंड हिज पेट डॉटर। ठीक है, सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस, मतलब कि द डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग देयर जर्नी टू लंडन। बस थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टोरी है। सो तीनों पार्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। यू कैन एक्सपेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन ऑल द थ्री पार्ट्स। ओवरऑल थीम और समरी सुन लो। तो बेटा 100% इस चैप्टर का मैसेज क्या है? बस बस, चैप्टर इज डन, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू वी क्विज। तो दैट इज एनिमल्स ओपी है, एनिमल्स 100% ऑसम है, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट कंपेनियंस, वेरी नाइस है। चलो बेटा एक चाय फाय क्विज हो जाए। मिचबिल वॉज डैश एट फर्स्ट। बेटा मिचबिल इनिशियली कैसा था? अलूफ, इनडिफरेंट, रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। ए और बी और सी और डी, मेरे को लाइव चैट में आंसर बताओ पीपल। ए और बी और सी और डी, बताओ बताओ बताओ। क्या बात है, क्या बात है, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इज गिविंग मी द राइट आंसर्स। ओ माई गुडनेस, सुपर सुपर सुपर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक्सलेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा अलूफ, इनडिफरेंट, रिजर्व का मतलब है शाय, इसका मतलब है अनकेयरिंग। 100% ऑसम बेटा। ये पूरी की पूरी कहानी एक और है, ह्यूमरस, हार्ट वार्मिंग, या बोथ ए एंड बी। ये स्टोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ए और बी और सी लिखो। आई वॉन्ट अगेन द आंसर इन द लाइव चैट। ए और बी और सी, ए और बी और सी, बताओ। क्या बात है, ओ माई गुडनेस, एब्सोल्यूटली ऑसम, चुमी एन हाई फाइव। ठीक है, ये स्टोरी है बहुत ज्यादा फनी बेटा, ये स्टोरी बहुत ज्यादा टचिंग भी है। मतलब कि मिजबिल के सारे एडवेंचर्स बहुत फनी फनी है, लेकिन जब मिजबिल बेचारे की खून निकलता है एंड वो डर जाता है, जेन्युइनली वी फील वेरी वेरी सैड एंड बैड, दैट मीन्स इट इज हार्ट वार्मिंग। चलो तो बेटा थीम कंटिन्यू है, लव फॉर एनिमल्स, एनिमल्स ओपी, एनिमल्स का प्यार ओपी। बेटा दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू आपके 9th का चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव, याद है? बाबा भो भालू बाबा, कौन सा नाम था वो बाबा? तो था ब्रूनो बाबा। हाँ ब्रूनो बाबा की स्टोरी भी मिली, सिमिलर है बेसिकली। एनसीईआरटी को एनिमल्स इतने पसंद है भाई। हाँ तो ये सिमिलर है पीपल, सेम टू सेम टू सेम है। चलो लॉयल्टी ओपी। ठीक है तो पीपल कुछ भी बोलो, हमारा बेचारा मिजविल एंड कुछ भी ऑटर होके भी, ऑटर पीपल वाज वेरी लॉयल टू द ऑथर, लव्ड द ऑथर। मतलब पीपल इफ यू लव एनिमल्स एंड एनी लिविंग बींग दे विल लव यू बैक। ओल्गा दीदी, बेटा अभिषेक कुछ नहीं है तो ओल्गा को ले आओ। ठीक है चलो चलो, अभी बस फाइनल पार्ट है, थोड़े वर्ड्स पढ़ लेते हैं, देन वील गो टू वीक्वेस्ट। बेटा एमिनेंट मतलब कि एकदम ग्रेट होना, एमिनेंट पर्सनैलिटी। थ्रॉल्डम ने ना बेटा मतलब कि स्लेवरी होना, या तो किसी का कंट्रोल रखना, किसी के ऊपर राज करना। हॉस्टाइल मतलब कि बहुत ज्यादा खराब होना, अनकाइंड होना, अनकंफर्टेबल होना। एम्बुश मतलब कि अचानक ही वार कर देना, बहु। ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड अमित सर तब हो जाते हैं जब वी क्विज में आप धज्जियां उड़ाते हो, समझ जाओ। ठीक है, अफ्रंट मतलब कि ना बेटा किसी की तो इंसल्ट कर देना, किसी को नीचा दिखाना, वेरी 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 सैड। ठीक है चलो, मार्शेस बेटा वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स मतलब कि जहां पे अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज, पानी जमा हो जाता है, इसके आसपास पूरा वेट वेट हो जाता है। तो वेटलैंड्स और मार्शेस में एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम क्रिएट होता है, रिमेंबर दैट। चलो पीपल इसी के साथ डन डन डन, होमवर्क का सवाल आ गया, लेट्स गो टू वी क्विज। इसके बाद व्हाट थिंग्स डज मिजबिल डू व्हिच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली,
एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। तो बेटा टोटली टोटली मेमोरी बेस्ड सवाल है, इस पर कोई थीम नहीं है, आपको खाली चैप्टर में से फैक्ट्स बताने हैं, चाहिए तो पॉइंट्स में बताओ, लेकिन मुझे कम से कम 60 वर्ड्स में इसका आंसर चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, इंटेलिजेंट, फन, फ्रेंडली एंड एवरीथिंग है। ठीक है, तो बेटा होमवर्क करके मेरे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ना है आफ्टर द वीडियो। अमित सर विल कमेंट, लाइक इट, चेक इट एंड टेक योर नेम इन द नेक्स्ट टाइम वीडियो। ठीक है पीपल, एनसीईआरटी को थीफ भी बहुत पसंद है। हाँ आसरा, यू आर राइट। चलो बेटा इसी के साथ चलते हैं फिर से vquiz.in पे। आ जाओ सारे बच्चे, एवरीबॉडी विल प्लीज गो टू www.vquiz.in एंड बेटा कोड लगाना है 227126, 227126। जाओ जल्दी जल्दी vquiz पे, लेट्स फिनिश द vquiz। एंड बच्चों का फटाफट ये भी बता देते हैं कि अगर कुछ बच्चों को एनरोल करना है तो वेयर टू एनरोल एंड हाउ टू एनरोल देख लो बेटा। कहाँ जाए हम, चलो तो बेटा अगर आपको एनरोल करना है हमारे एनी ऑफ द प्रोग्राम्स में, यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स मौजूद है। आपको प्रो लाइट क्लास 10 के लिंक में जाना है, अंदर जाके प्लीज रिमेंबर अमित सर इज टीचिंग नाउ इन ऑल द बैचेस। किसी भी एनुअल प्रोडक्ट के नीचे जाके आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड अंदर जाके कूपन कोड इज अप्लाइड, डिस्काउंट इज देयर, जीरो कॉस्ट EMI इज देयर, एनरोल कर देना। दैट्स करेक्ट, अमित सर इज टीचिंग इन द लाइव बैच एंड इन द AI लाइव बैच। तो बेटा मेरा बैच ही ज्वाइन करना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, साथ में पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है, डन। ओवी पीपल, लेट्स गो टू vquiz.in। आ जाओ सारे बच्चे, चलो पीपल आर वी रेडी, हम शुरू कर सकते हैं। अभी तक 42 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है पीपल। द कोड इज 227126, 227126। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। हु इज कॉलिंग मिजबिल लेपर्ड, तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे, लेपर्ड बोल रहे हो उसको, कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। चलो पीपल, आई एम स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। अगला सवाल, here we go. Sir, listen to BTS on Spotify. Yes, my Tanu. Author का नेटिव प्लेस कौन सा? ऑथर कहां से है? इराक, स्कॉटलैंड, यूएसए के कैनेडा? पीपल बहुत आसान है, कम ऑन। ये माय वैष्णवी, अरे वाह प्रांजल क्या बात है। ऑल द बेस्ट प्राची, यू विल रॉक इट। टाइम इज अप। वाह बेटा वाह 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 वाह। पीपल प्लीज क्लैप फॉर इराक। ऑथर गया है इराक ट्रैवल के पर्पस पे, काम के पर्पस पे। बेटा उसका गांव तो स्कॉटलैंड लंदन है ना यार, लंदन इंग्लैंड स्कॉटलैंड एक ही बात है, तुम लोग काहे कंफ्यूज हो रहे हो लाइफ में इतना ज्यादा बेटा। ठीक है, कनाडा के लिए ताली बजाओ बेटा। एक बच्चे जिसने कनाडा बाकी, बेटा ये ना फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा, ये ना मिनिस्टर मटीरियल है कनाडा, देखो वाह क्या बात है। ठीक है, तो बेटा सिली मिस्टेक्स मत करो यार प्लीज। चलो टीटो मूड। अभिजीत, अक्षिता, धृति, आराध्य, प्रिया, प्रगति, अभी, शौर्य, तनिशन, सारा। अगला सवाल, कम ऑन, हियर वी गो। व्हाट आर मार्शेस? आपको बताएं हम वोकैबुलरी में, कैनियंस, हिल्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट। ये फुल SST का सवाल है, इंग्लिश का सवाल ही नहीं है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर, कम ऑन। Time is up. Let's see. Wow, people. Majority of Parakshas got it. Super. Big chumian high five. तो बेटा marshes मतलब wetlands. Wetlands मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी बहता है, इकट्ठा हो जाता है and वहाँ पे सारे जीव जंतु like crocodiles, otters, all of them live. बहुत बढ़िया. Super. अभी बेटा भूलना मत ये वो क्या है. चलो अभिजीत, अक्षिता, धृति, आराध्य, प्रिया, प्रगति, अभी, शौर्य, तनिशन, सारा। अगला सवाल, कैमोस्फियर ना इज अ प्लेस सराउंडेड बाय, ये आपके चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया है, ग्रीनरी, वाटर, माउंटेन्स और फॉरेस्ट। बहुत आसान है, कैमोस्फियर ना जो जगह का नाम है आपके टेक्स्ट बुक में है बेटा, हो जाए, कम ऑन। हॉस्टाइल मतलब अनकाइंड, प्रिया मतलब बहुत ज्यादा खराब, तनिष बेटा लेट इसके लिए हो जाता है क्योंकि खाली स्पैम करते रहता है,
पे लेट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। वाह बेटा, सिली मिस्टेक कर रहे हो, वापस से टेक्स्ट बुक। बेटा प्लीज कम टू अमित सर का सेशन टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद। ए बी आ रहे हो तो सेशन में टेक्स्ट बुक लेकर आके बैठो यार, तभी का तभी हो जाएगा पढ़ाई। कैमोस्फियर ना इज अ प्लेस जहां पे बहुत सारा पानी है, सो एनीवेज इट इज सॉर्टेड, क्योंकि वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑटर लोग। चल पीपल नीड अ बोट। धृति, अक्षिता, आराध्या, अभिजीत, प्रिया, तनिष, सारा, अमनदीप, प्रगति एंड अभी। अगला सवाल, कम ऑन पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ऑटर्स लव कॉमन सेंस लगाओ। सैंड, स्नो, वॉटर, ग्रीन ग्रास, मतलब पीपल, कम ऑन, बहुत बेसिक है ये। पीपल आपके सैंपल पेपर में देर हैज बीन अ कंपैरिजन ऑफ टाइगर इन द जू और मिचबिल, तो याद रखना ऐसे वाले कंपैरिजन क्वेश्चंस भी आएंगे जिसका आई विल गेट अ सेपरेट वीडियो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एब्सोल्युटली ऑसम, कॉमन सेंस लगाया, बहुत बढ़िया। पीपल प्लीज क्लैप फॉर स्नो। बेटा उन बच्चों के लिए, स्नो वाले बच्चों को हिमालय पर्वत पे आज रात की बस से भेज देंगे। स्नो क्यों? सर मेरी मर्जी। बेटा इतनी इमेजिनेशन तुम ना, मतलब कूट कूट के कहां से लेके आते हो तुम तो, मतलब हद पार हो यार। स्नो मतलब स्नो। चलो सैंड और ग्रीन ग्रास हम सोच सकते हैं, लेकिन स्नो, वाह बेटा तुम मतलब इराक डजेंट मीन स्नो एलेक्स गेमिंग। बेटा इराक मीन्स डेजर्ट, वो इराक के नॉर्दर्न पार्ट में स्नो पड़ता है। धृति, अक्षिता, आराध्या, अभिजीत, प्रिया, तनिष, सारा, अमनदीप, प्रगति एंड सक्षम। चलो पीपल लास्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट, हियर वी गो। ऑथर का फ्रेंड ने सजेस्ट किया दैट ऑटर्स आर कॉमनली फाउंड इन विच रिवर यार? टिग्रिस, नाइल, गैंजेस और मिसूरी। मिसूरी बेटा ये मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 में बता दिया था, कम ऑन। यस माय ऋतिक, डोंट वरी बेटा। थैंक यू माय आदिश्री, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। ओके आदित्य, नहीं आया आयशा स्केड्यूल? ओ नो, आई विल चेक इट बेटा, आई विल चेक इट। सुपर बेटा, प्लीज क्लैप फॉर गैंजिस। बात चल रही है इराक की, बात चल रही है स्कॉटलैंड लंदन की, और तुम ले आए इंडिया सर, हर जगह इंडिया। बेटा तुम ना मोदी जी के पास जाओ, तुम जाओ, तुम सच्ची मोदी जी तुमको रख लेंगे काम पे, तुम बहुत बढ़िया हो। गैंजिस, नाइल। अरे बेटा एसएसटी के सवाल में ऐसे कर रहे हो, सुरभि मैम को पूछना पड़ेगा तुमको, क्या कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, ये क्या कर रहे हो बेटा? इजिप्ट की बात तुम इराक में कैसे लेकर आ रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, आंसर इज टिग्रिस। ओ गॉड, इसी के साथ पीपल फाइनल लीडर वोट। धृति, वेरी वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अक्षिता, चुमी हाई फाई, एंड आराध्या, ओ माई गॉड माई टॉपर, आई एम सो सो हैप्पी। चलो बेटा यहाँ पे ये वीक क्विज हम समाप्त कर रहे हैं। रिमेंबर यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड प्ले दिस अगेन विद योर फ्रेंड्स, तो बेटा प्लीज वीक क्विज जरूर खेलना। चलो पीपल, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले डेफिनेटली लाइक करके जाना वीडियो को बेटा, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा देना, एंड इन द कमेंट सेक्शन होमवर्क करके जरूर छोड़ देना। लेट मी ऑल्सो नो आपको और कौन से वीडियो चाहिए। अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। वी विल अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग आउट।